लोकसभा चुनाव 2019 में नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत की करारी हार हुई है। बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के हरीश रावत को रिकॉर्ड मतों से हराया है, जिसके बाद हरीश रावत लगातार बयानबाजी कर बीजेपी नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। वहीं हरीश रावत के बयानों का जवाब देते हुए बीजेपी प्रवक्ता वीरेन बिष्ट ने कहा है कि जनता ने हरीश रावत को इस चुनाव में बता दिया है कि वो जन नेता नहीं बल्कि सोशल मीडिया के नेता हैं। हरीश रावत का काम सिर्फ बयान देकर सनसनी फैलाना है। सिर्फ बयान देकर सनसनी फैलाते हैं हरीश रावत, इसलिए जनता उन्हें विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा में भी करारी शिकस्त दे दी है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि इस चुनाव में हरीश रावत जी ज्योतिष भी बन गए, उनको आध्यात्मिक ज्ञान भी हो गया। दूसरी बात है कि वो ट्विटर के नेता हैं, फेसबुक के नेता हैं और मीडिया में बयान देने वाले नेता हैं। तो उत्तराखंड राज्य की जनता ने ये बता दिया है कि उत्तराखंड राज्य में जो जन नेता होगा, जिसको जनता प्यार करेगी, जिसको जनता के बीच में जो नेता बना रहेगा, उसको मत और समर्थन देगी। तो जो मीडिया वाले, फेसबुक और ट्विटर वाले नेता हरीश रावत जी थे, तो जनता ने उनको नकार दिया है। और हरीश रावत जी ने एक बात और कही थी कि हरीश रावत जी उत्तराखंड राज्य की जनता के दिलों में वास करते हैं। उत्तराखंड राज्य की जनता ने 23 तारीख को उनको भारी वोटों से हरा कर इस बात को भी बता दिया है कि हरीश रावत जी उनके। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने भारी बहुमतों से जीत हासिल की, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। रुड़की में विधायक देशराज कर्णवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ ढोल बजाकर जीत का जश्न मनाया और बीजेपी को मिली प्रचंड जीत पर लोगों को प्रसाद भी बांटा। कर्णवाल ने कहा कि राष्ट्र प्रेमी देश की जनता ने मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, जिससे देश में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने वाली है और आने वाले समय में देश मोदी के नेतृत्व में विश्वगुरु बनेगा। वहीं उन्होंने जनता का आभार भी जताया। जो इस देश की जनता है, उन्होंने ये चुनाव लड़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए ये प्रचंड बहुमत आया है और देश परम बहु की ओर जा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। मेरा देवतुल्य कार्यकर्ता आज हर्षोल्लास की महसूस कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पिछले 3 वर्ष से लगातार संगठन के कार्य जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने किया और आज उसका सुखद अनुभव यहाँ पर कार्यकर्ताओं को देखने को मिला। डॉक्टर निशंक, पिछली बार की तुलना में अगर मैं बात करूं तो 2,60,000 मतों से जीत कर आए, ये डॉक्टर निशंक की, डॉक्टर मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी के मेरे देवतुल्य। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने CWC की बैठक में इस्तीफे की पेशकश की है, लेकिन सदस्यों ने इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी मजबूत रहेगी। उन्होंने कहा कि एक बार फिर कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ आगामी चुनावों की तैयारी करेगी। मैंने कहा ना कि राहुल गांधी जी ने पेशकश की है, लेकिन ये समय ऐसा है कि हम राहुल गांधी जी के इस्तीफे की जो पेशकश है उसको नामंजूर करने का काम करें, क्योंकि जो ताकतें आज देश के अंदर सर फैलाने का काम कर रही है, सर उठाने का काम कर रही है, उन ताकतों के खिलाफ जो है पूरी कांग्रेस राहुल गांधी जी के साथ लामबद्ध होकर लड़ाई लड़ने का काम हम कर सकते हैं। देहरादून में स्थित किसान भवन में बाल विधानसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने शिरकत की। इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने बाल विधानसभा के बच्चों को विधानसभा से संबंधित कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उन्हें बाल विधानसभा में आकर खुशी हुई। बच्चे कल का भविष्य है, जो आज से ही हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बाल विधानसभा से सभी जनप्रतिनिधियों को प्रेरित करने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए प्रेमचंद अग्रवाल ने बच्चों को शुभकामनाएं दी। विधानसभा हमारे यहाँ कैसे गठित होती है और विधानसभा का गठन के बाद संचालन कैसे होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी के क्या कर्तव्य और उनके दायित्व होते हैं, एक माननीय मंत्री और विपक्ष के नेता के क्या दायित्व होते हैं, कैसे विधानसभा चलती है, संचालित होती है, नियमों के और परंपराओं के अनुसार चलती है, सारी बातें मैंने उनको बताई। और दूसरी ओर वो बात भी मैंने उनके सामने रखी कि यदि माना कोई जनप्रतिनिधि चुना जाता है वो तभी निर्वाचित हो सकता है आज की परिस्थिति और स्थिति में, कि जब वो जनता के बहुत नज़दीक रहता है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद है भगवान का और जनता का भी कि मैं लगातार तीसरी बार अपने विधानसभा क्षेत्र से और हर बार बढ़त।